तो हम पे आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी A06। आज इसका मैं पूरा रिव्यू बताऊंगा कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। A05 की मैंने अनबॉक्सिंग करी थी, रिव्यू करा था, उसको आप देख लीजिए। उसका एक सक्सेसर आया है A06, देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। चलिए दोस्तों पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स पैकेजिंग बिल्कुल प्रीमियम कर रखी है, देख सकते हैं यहाँ पे हमें सील लगी हुई मिलती है। सील को हम ओपन करते हैं, ऊपर की तरफ हमें एक लिड मिलती है। 10,000 रुपये के अंदर अंदर ये सेट हमें मिलता है, सैमसंग गैलेक्सी A06। यहाँ पे देख लेते हैं तो C2C डेटा केबल मिलती है। इसमें बुरी बात यह है, इसमें भी हमें चार्जर नहीं मिलता। बहुत से फोनों में हमें चार्जर मिलता है जो 7-8 हज़ार रुपये के सेट आते हैं, लेकिन हमें 10,000 रुपये के सेट में भी सैमसंग के चार्जर नहीं मिलता। क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह मिलती है और सिम इजेक्टर पिन मिलती है। इसको हम साइड में रख लेते हैं। सेट में कुछ नहीं मिलता, देख सकते हैं एक इजेक्टर पिन मिलती है। सेट के बॉक्स को हम साइड में रख लेते हैं। अब ये पॉलीथिन की जगह कागज पैकिंग में आने लगा है, तो ये काफी अच्छा लगा मुझे एनवायरमेंट के लिए। दोस्तों जो मेरे पास कलर है वो सिल्वर कलर है, देख सकते हैं काफी प्यारा है A06। देख सकते हैं कैमरे A05 जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे का टेक्सचर चेंज कर दिया गया है, देख सकते हैं लाइनिंग वाला टेक्सचर आ चुका है। और ये अगर आप हाथ में लेंगे तो फील करेंगे तो कुछ ऐसा लगेगा जैसे आप सच्ची में लाइनें आप छू रहे हैं। तो काफी अच्छी प्रीमियम डिजाइन कर दी है, देख सकते हैं यहाँ पे हमें इस तरह से हमें बॉडी डिजाइन मिलती है मेटल की, बहुत प्यारी। अब हमें साइड में फिंगरप्रिंट दे दिया गया है। पहले A05 में हमें फिंगरप्रिंट नहीं मिलता था, अब A06 में हमें फिंगरप्रिंट मिल गया है साइड में बटन में ऑन ऑफ में। ऊपर की तरफ वॉल्यूम डॉकर्स हैं, पीछे की तरफ दो कैमरे LED फ्लैश, नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट, माइक और ईयरफोन लगाने का ऑप्शन है और स्पीकर है। स्पीकर हमें एक ही मिलता है, ऊपर की तरफ हमें एक और माइक मिलता है। इस साइड में हमें सिम ट्रे मिलती है जिसमें कि दो सिम और मेमोरी कार्ड हम डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं इसको सेट को ऑन। सेट हमने बूटअप कर लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे छोटी सी मोटी चिन मिलती है मेरे को ऊपर की तरफ, देख सकते हैं ड्यू ड्रॉप डिस्प्ले मिलती है थोड़ा सा। इसको हम एग्री वगैरह करके सेट हमने बूट अप कर लिया है, देख सकते हैं सेट नो डाउट काफी अच्छा लग रहा है हाथ में पकड़ने में। अगर जिन लोगों को छोटे सेट पकड़ने की आदत है तो ये उनके लिए थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि ये काफी बड़ा सेट है, देख सकते हैं। इसमें जो पीछे हमें कैमरा मिलता है वो 50+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलता है, और फ्रंट कैमरा हमें 8 मेगापिक्सल का मिलता है। कैमरे के लिए आप इस सेट को ना खरीदिएगा, अगर आपका बेसिक यूज है तभी आप कैमरे के लिए सेट को खरीदिएगा, क्योंकि कैमरे इसके नॉर्मल से रहते हैं सैमसंग के। इसमें 2 साल का OS अपग्रेड मिलता है और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट का सैमसंग प्रॉमिस करता है बॉक्स पे। और साइड फिंगरप्रिंट तो मैंने बताई दी आपको। 5,000 mAh की बैटरी मिलती है, सैमसंग की बैटरी क्वालिटी काफी अच्छी रहती है, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज करा है सैमसंग के फोन, तो बैटरी इतनी जल्दी सैमसंग की खराब नहीं होती। और 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है इसमें, लेकिन चार्जर आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मेरे पास जो वेरिएंट है वो 4/64 वाला है। आउट ऑफ द बॉक्स सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 14 निकलता है, ये देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर जिन लोगों को बजट कम है, 10,000 से नीचे नीचे का बजट है, तो उन लोगों के लिए सेट ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। जो लोग कीपैड से अपग्रेड करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए सेट काफ़ी अच्छा हो सकता है, देख सकते हैं। 1 UI वर्जन 6.1 पे ये रन कर रहा है। सारी सिम चलेंगी, लेकिन ये 4G सेट है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें 5G नहीं चलेगा, क्योंकि 4G सेट है। कुछ फीचर्स की बात मैं आपको जैसे कि बता दूं, जैसे कि इसमें हमें 17.13 सेंटीमीटर का फुल रेक्टेंगल डिज़ाइन मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, कॉर्नर डिज़ाइन है। और इसका कुछ मैं आपको UI दिखा देता हूँ। तो जैसे सैमसंग का UI होता है बिल्कुल सेम आपको वैसे ही मिलेगा। आप 25,000 का फ़ोन खरीद लीजिए, 50,000 का खरीद लीजिए, बिल्कुल सेम जैसा UI रहता है वैसे ही मिलेगा। मुझे थोड़ा सा सैमसंग की डिज़ाइन लैंग्वेज में थोड़ा सा ऐसा रहता है, क्योंकि आप कितना भी महंगा सेट खरीद लीजिए उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज बस कभी 3 कैमरे हो जाएंगे, कभी 2 कैमरे हो जाएंगे, ऐसे ही रहेगा। लेकिन जिन लोगों को सैमसंग टिपिकली पसंद है वो आप जा सकते हैं सैमसंग की तरफ। तो मुझे ये सेट ठीक ठाक सा लगा। अगर आपको ये सेट खरीदना है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन देख सकते हैं, जहां से आपको सस्ता मिले वहां से आप ये खरीद सकते हैं, कोई ये पेड वीडियो नहीं है।
अगर मेरी अनबॉक्सिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर इस सेट के बारे में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन और जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।